नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने गुरु घासीदास बाबा के जीवन से संबंधित काफ़ी सारी कहानियाँ जानी, उनके जीवन से संबंधित काफ़ी सारी जगहों पर घूमे। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं उनके जीवन से संबंधित एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जगह पर आपको लेकर जाने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जाने वाले हैं सपूरा माता मठ। आपको पता ही है गुरु घासीदास बाबा का विवाह जो है सपूरा माता से हुआ था, जो कि सिरपुर में रहती थी, और उनका समाधि स्थल यहीं गिरौदपुरी में गुरु घासीदास बाबा का जो घर था उससे कुछ दूरी पर स्थित है। लोग दोस्तों उनकी समाधि स्थली पर बहुत ही कम जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं इसी समाधि स्थल सपूरा माता में आपको लेकर जाने वाला हूँ, साथ इससे संबंधित कहानी भी बताऊँगा। वीडियो बहुत रोचक होने वाला है, वीडियो एंड तक देखिएगा। सपूरा माता जैसे अमरू नाम के लड़का रही स्थिल हरण हो गए आओ दुनिया, माता जी भी रही सहोदरा माता पाछी जन्म ली सवय है, अब कोई नहीं रही, सब दुए झन रही से तो माता हरण हो गए, मैं खत्म हो गए थे 6 महीना के वह समाधि वह ले हवा। अच्छा, तलाब के पार में समझ गए। अब ओकर बाद अब बढ़िया पगला टाइप हो गए, बाबा कोनो परिवार जा से हो गए थे, कोनो नहीं है, बेटा हरण हो गए, माता हरण हो गए, बस अब जाके निकले हवा बस्ती पर निकले था बाबा गुरु घासीदास है, तो मेरे बच्चे मर रहे बड़का एक ठकलोर है बस्ती तीर के जात रहे, तो कहती यही मेरे मैं होकर सबके विश्वास कर लो ना भैया अमृत के, तब वो मेरे बच्चिया ल हे सतनाम हे पुरस्पिता हे ऐसे करके वही मेरे अमृत के विचारधारा रखी से नाम के आधार, तो बच्चिया बाँ बाँ कर भागे लगी बस्ती रह, अब वो घासीदास पहुंचे च नहीं है, बच्चिया हगवा गए, अरे लत तीर के आए जी कैसे होगी जी है जी, दूसर में वह गीस आवा तो वो लग खोदवाई सावा है बस्ती बुलाई से लग खोदा कही सपूरा के जो मिट्टी देवा है, आज 6 महीना हो गए हमारे तीन तीन होगा, तो खोदे है तो मेरा अग्नि प्रवेश हो गए है, कही कौन जगह दी मुल सोई नींद ला जाग गए, वह 5 तत्व प्रगट हो गए सपूरा माता के जो बताए हवा तक 5 तत्व के बाणी सब, तब वो कर कही सोहा के तब मैं जगाए हम ठगवा फिर आगते मुल जगा दे सोई नींद ला झोंक मोर सर आप लेते हैं कि जय जोहार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक और नई जगह पर लेकर आया हूं। दोस्तों हम लोग ये जो सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं इसमें काफ़ी सारे मैंने आपको सतनामी गुरुओं के बारे में बताया, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सपूरा माता के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि गुरु घासीदास बाबा की पत्नी थी, उनसे संबंधित एक कहानी भी है दोस्तों कि गुरु घासीदास बाबा ने सपूरा माता को मृत्यु के बाद फिर से जिंदा कर दिया था और उनका मठ भी स्थित है गिरौदपुरी में। कहानी एक्चुअली में मेरे को ठीक से मालूम नहीं है, तो वहाँ जाकर पता करेंगे इस कहानी किस्सा रहस्य के बारे में। और चैनल पर न हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज मैं जाने वाला हूँ जगह वो है सपूरा माता का मठ, ये गिरौदपुरी में स्थित है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों सपूरा माता मठ मंदिर जो है यह गिरौदपुरी नामक छोटे से गांव में स्थित है। गिरौदपुरी में आपको पता ही है काफ़ी सारे दर्शनीय स्थल है, वहीं यह सपूरा माता मठ जो गुरु घासीदास बाबा की जन्म स्थली है उससे कुछ दूरी पर स्थित है। यह बलौदाबाजार ज़िले में स्थित है। इसकी दूरी बलौदाबाजार से लगभग 50 किलोमीटर, सारंगढ़ से लगभग 64 और बिलासपुर से 79 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ बस बाइक कार किसी भी साधन द्वारा आ सकते हैं। दोस्तों यह जो जगह है यह सपूरा माता मठ के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ सपूरा माता ने समाधि ले ली थी, लेकिन बाद में गुरु घासीदास बाबा जब तप करके आए और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्होंने अपने अमृत पानी से सपूरा माता को वापस जिंदा कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ सपूरा माता मठ के पास, आप लोग देख सकते हैं ये पीछे पूरा तालाब स्थल है। अभी चूंकि दोस्तों गर्मी का दिन है तो पूरा सूख गया है, लेकिन ये एकदम ऐसा कुंड जैसा दिखता है, ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी धार्मिक स्थल है, काफ़ी सारे लोग आते हैं। और पीछे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास मठ है और काफ़ी सारे आपको और देखने को मिलेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गुरु घासीदास बाबा का जन्म दोस्तों महंगूदास और माता अमरोतिन के यहाँ हुआ था, और गुरु घासीदास बाबा का विवाह बचपन में ही सपूरा माता से करवा दिया गया था जो कि सिरपुर से थी। दोस्तों सपूरा माता का मठ मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, साथ ही आपको काफ़ी सारे और अन्य मठ भी देखने को मिलेंगे
कहा जाता है कि जो पुजारी होते हैं ये सारे जो मठ है ये उनका है। माना जाता है दोस्तों कि जब माता सफूरा ने 6 महीने की समाधि ले ली थी तब गुरु घासीदास बाबा हक्का बक्का हो गए थे और वह जगह जगह चले गए थे माता सफूरा को जिंदा करने के लिए, तप करने के लिए। जैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अमृत पानी की प्राप्ति हुई, अमृत वाणी की प्राप्ति हुई, तब वह छाता पहाड़, अमृत कुंड, चरण कुंड, पंचकुंडीय से होते हुए वापस यहाँ आए। गांव में रास्ते में उन्होंने एक बछड़े को जो कि मृत पड़ा था उसको उस अमृत पानी से जिंदा किया और उसके बाद माता सफूरा को आकर यहाँ उनको जिंदा किया। लोग उनके इस चमत्कार से काफ़ी आश्चर्यचकित हुए और गुरु घासीदास बाबा के चमत्कार की प्रसिद्धि और भी बढ़ती गई। दोस्तों ये दोनों ही स्थान जहाँ पास उन्होंने उस बछड़े को जिंदा किया था और माता सफूरा को जिंदा किया था आज भी देखा जा सकता है। यह जो स्थान है इसे सफूरा माता मठ या फिर समाधि मंदिर ऐसा कहा जाता है। बछड़े वाला स्थान भी यहाँ देखा जा सकता है। यह कहानी दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध है जहाँ बछड़े की हड्डी आज भी देखी जा सकती है। माना जाता है कि उस स्थान पर आज भी लोगों को जिंदा कर दिया जाता है। अब यह सिर्फ कहानी मात्र है ऐसा कहा जाता है। जहाँ तक बात रही दोस्तों इस सफूरा माता मठ या फिर समाधि मंदिर स्थली की, तो यहाँ गुरु घासीदास बाबा की जयंती पर काफ़ी सारे लोग आते हैं। जब यह कुंड भरा होता है यहाँ स्नान करते हैं और उसे काफ़ी पवित्र माना जाता है। हालांकि इससे जुड़ी हुई जो पूर्ण कहानी है दोस्तों वो आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ एक माध्यम से। सफूरा माता जैसे अमरु नाम के लड़का रही हरण हो गए और दुनिया माता जी भी रही सहोदरा माता पाछी जन्म ली सवय है अब कोई नहीं रही सब दुए झर रही से तो माता हरण हो गए मैं खत्म हो गए कहके 6 महीना के वह समाधि वह ले हवा अच्छा तालाब के पार में समझ गए। अब ओकर बाद अब बढ़िया पगला टाइप हो गए बाबा कोनो परिवार जाए से हो गए कोनो नहीं है बेटा हरण हो गए माता हरण हो गए अब मैं कहा कर रहा हूँ तो फिर तपो भूम वहाँ तप जलाए हवा तप करे वहाँ तो तप तो धुनी नहीं जलाए कुछ जलाई सो है या मत धुनी नहीं जलाए 12 मत ला उमेर रख के बाबा अपन त्यागन कर इसमें अपन शरीर में छोड़ गए हो तो ये मेरा आगे है रे कोई मानूस है कि सांप बिच्छू दुनिया भर बघवा भालू सब तीर मारे जंगल तो आए कुछ नहीं कर सकी यू मेरे में नहीं मरे रे क्योंकि वो कहाँ निकल गए वहाँ छाता पहाड़ निकल गए छाता पहाड़ जी से तो 3 बार मुड़ के भार वहाँ से गिरे है अच्छा। फिर निकली से मैं अखंड बन जाऊ मैं तो अखंड बन काला मानी जो है जो पचकुंडी बने तेन अखंड बन गए समझे ना हाँ हाँ बाघ भालू तो वहाँ अब पुरस्कृत फिर प्रकट हुई सब तो कथे है कि बेटा तोल बहुत काम करना है यहाँ से जतका 5 तत्व में है तो यह अतके छरे अतके में जीना मरना जतका भी चाल चलन जतका भी व्यवहार बनी ततके चुमन जो कुछ तो वहाँ नहीं मानी चूहल तो वहाँ ले अमृत कुंड आई सब है विश्वास नहीं करी चूह गुरु घासीदास बेटा कहीं कुछ नहीं तो बचिया एक मरे रहा है वहाँ अब 3 बन गए ना तपो भूम बन गए से अब जाके निकले हवा बस्ती भर निकले बाबा गुरु घासीदास है तो मेरे बच्चे मर रहा बड़का एक कलोर है बस्ती तीर के जात रहा तो कहती यही मेरे मैं कर सकते विश्वास कर लो ना भैया अमृत के तब वो मेरे बच्चिया ल हे सतनाम हे पुरस्पिता हे ऐसे करके वही मेरे अमृत के विचारधारा रखी से नाम के आधार तो बछिया बाँ बाँ करत भागे लगी बस्ती रह अब वो घासीदास पहुंचे च नहीं है बछिया हगवा गए अरे लत तीर के आए जी कैसे होगी जी है जी तो कही मैं तो यह करे हूँ गएला जो विचारधारा ला पुरस्कृत सत्यनाम के विचारधारा रखे हवा तो यह करती तो आज मंदिर वहाँ भी हवा है बछिया जी दूसर में वह गीस हवा है तो वो लग खोदवाई सब है बस्ती बुलाई से लग खोदाओ कही सफूरा के जो मिट्टी देवा है आज 6 महीने हो गए हमारे तीन होगा तो खोदे है तो मेरा अग्नि प्रवेश हो गए 12 हाथ के चौक चा कर लग तो हमारे दादाजी कहती दांत व कुछ कुदाल के चोट पर रिश बाबा हमारे बाबा कहती है समझ गए मोर दादा के तीसरा पीढ़ी है तो ओमा दांत में चोट रही सफूरा माता के कही कौन जगा दी मोल सोई नींद ला जाग गए 5 तत्व प्रगट हो गए सफूरा माता के जो बताए हवा तत्व 5 तत्व के बाणी सब तब वो कर कही सोहा के तब मैं जगाए हूँ ठगवा फिर आग तेम बोल जगा दे सोए नींद ला झोंक मोर सर आप लेते हैं कही
सफरा माता कहा थे, अति जुड़े हैं तीती गाँव वाला बस्ती वाला सब कथको जुड़े हैं समाज है। अब ओकर बाद में फिर कहा थे के कहीं मैं तोरे से ही बेटा पाऊ कहीं नहीं माता शराब मत तो तोरे से ही बेटा पाऊ मैं हाँ दे माता कहीं ओकर तो मत लहर देता था मस्तक मत बैठ गई जीवित हो गए माता जी सफरा माता। अच्छा ओकर बाद में कही मांगेल नहीं जान माता कुछ दिन पूरा तेला मोल दे हाँ देव कहीं फिर तीसरा मांग कर रहे कि सदा दिन पूरा तेला दे तो तोलत माया हम फंसाने छे मोला एलत में जाना था ऐसे कहीं से तो एक गड़गड़िया दास और अगरवती मातल फिर दी से मोला। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना कि सपूरा माता मठ की कहानी क्या है, यहाँ क्या क्या हुआ था, क्या चमत्कार गुरु घासीदास बाबा ने दिखाया था। ऐसा मानते हैं दोस्तों आज भी यह जगह काफ़ी पवित्र है और इसे काफ़ी चमत्कारी जगह माना जाता है। लोग आज भी यहाँ दर्शन करने आते हैं और इस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं। आपका अगर मन करे तो आप लोग भी यहाँ आ सकते हो, गुरु घासीदास जयंती पर आना अच्छा होगा। लोकेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने जाना सपूरा माता मठ की सच्चाई उनके समाधि स्थल के बारे में और जो कहानी मैंने आपको सुनाई कि गुरु घासीदास बाबा ने सपूरा माता को उसी स्थल पर जिंदा भी किया था। ये कहानी वैसे दोस्तों काफ़ी समय से प्रचलित है। आप लोग को फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।